मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल है शनिवार यानी कि 11 जनवरी 2020 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि आज रात के 11:44 तक रहने वाला है। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। व्रत त्योहार में आज है माघ मास का प्रारंभ। आज से माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। जो लोग माघ का स्नान करते हैं आज से सूर्योदय से पहले से ही स्नान करेंगे और हर रोज पूरे माघ में सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे। नक्षत्र आज रहने वाला पूर्ण वर्षु, जो कि दिन के 2:28 तक रहने वाला है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए अशुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, ठीक इसी प्रकार से जन्म का समय AM PM के साथ जन्म का स्थान, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाएं कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, उससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। आज राहु मिथुन राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध सूर्य गुरु शनि केतु एक साथ धनु राशि में, शुक्र आज कुंभ राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिजाज हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज 10वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जहां कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। भविष्य के लिए कोई सकारात्मक योजना, पॉजिटिव योजना आज बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। बात करें व्यापार और धन की, तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे मकान, भूमि, वाहन। माता के सुख में भी वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुचि बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने लक्ष्य को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाएं, इससे आपको फायदा होगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन आपकी मानसिक शांति भी अस्थिर रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी से आपसी सामंजस्य भी बनाए रखें। आज के दिन अगर ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृष राशि वालों के करियर के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपको परिवारजनों का पूरा साथ मिलेगा, खास करके छोटे भाई बहनों से। ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी कैसी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। पिता का भी भरपूर सहयोग आपको आज मिल सकता है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो वृष राशि के जातक भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, कपड़े इत्यादि, उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उनके व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से भी पैसे आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतीत करें, संबंध इससे आपके और भी ज़्यादा मधुर होंगे। आज के दिन बादाम अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ब्राउन रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की, मिथुन राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ खाने के योग आपके लिए बढ़ रहे हैं।
परिवार में तथा रिश्तेदारों में आपसी सामंजस्य आपका बना रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आपके बचत में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, बैंक बैलेंस और बचत आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वस्त्र आभूषण और रत्न खरीदने के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें, लक्ष्य की प्राप्ति मेहनत से ही आपको होगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। किसी प्रकार की आपको थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है, साथ ही अनिद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी से आज दिन भर में कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है, तो आपसी सामंजस्य बना के रखें। आज के दिन अगर ऑरेंज यानी कि संतरा खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग। बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आज के दिन आप अपने पराक्रम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यात्रा के भी योग आपके लिए बढ़ रहे हैं, और यात्रा कैसी रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। व्यापार के लिए, जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहयोगी भी मिल सकते हैं। बात करें कर्क राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापारियों के लिए आज के दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए आज अच्छे सहयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन कुछ नया कार्य अगर आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थी के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को आज निंद्रा ज़्यादा आ सकती है, तो अपनी निंद्रा पे नियंत्रण रखें और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। प्यार का इजहार करने के लिए भी अच्छा दिन है आज। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे अब सिंह राशि की, सिंह राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है। खर्च आपके धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्य समय समय पे करते रहने चाहिए। धार्मिक कार्य, दान दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को, गरीबों को दान देना, या किसी प्रकार की पूजा पाठ करवा लेना, सामूहिक रूप से करवा लेना, अकेले में करवा लेना, ये सब करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर। लेकिन आपको फिजूल खर्चे पे ध्यान देना होगा, फिजूल खर्च से बचना होगा। आज आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति मिल सकती है, प्रसन्नता में आपकी वृद्धि होगी, जिसके कारण दिन में खुश रहेंगे, आत्मसम्मान से भी आपका दिन आज भरा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार करने वाले जातक आज थोड़ा संभल कर रहें, अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं, जिससे आपका पूरा प्रभाव व्यापार पर पड़ेगा, तो अनावश्यक खर्चों से बचें। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। माँ सरस्वती का स्मरण करें और मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। गैस संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ सकती है, विवाह के लिए भी प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है आज के दिन। आज अगर नींबू अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग। बात करेंगे अब कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी कई प्रकार के छोटे या बड़े इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आपके माता पिता या आपसे जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में सगे संबंधियों में, मित्रों में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहने वाला है। बात करें कन्या राशि के व्यापार और धन की, तो कन्या राशि वालों के लिए आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, मकान और घर बनने के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी लाभदायक भी रहने वाला है, आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। अगर आज के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य कब आरंभ करना है वीडियो के अंत में देख लेना है। सही समय, सही समय में शुभ खा दिखाकर नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा।
बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। रिश्तों में नई शुरुआत भी संभव है। आज आज के दिन अगर दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग डार्क ब्राउन कलर। बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कार्य को, फंसे हुए कार्य को बनाने वाला दिन है। जितने भी आपके से रुके हुए और फंसे हुए कार्य हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें। आज उनको खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य भी बनेंगे। साथ ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पड़ोसियों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से सबसे मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। उनसे लड़ाई झगड़े के भी योग बन रहे हैं तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंत्रण रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं खर्चीला रह सकता है। अपने खर्च पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपको हानि हो सकती है। फिजूल खर्च पर बिल्कुल नियंत्रण रखें, ज़्यादा खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आज के दिन आपको मानसिक परेशानी भी दे सकता है किसी प्रकार से। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहने वाला है। जीवन साथी से वाद विवाद आपके हो सकते हैं तो आपको आज आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा का योग आपके लिए बन सकता है। अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर कहीं आज के दिन मेहमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। मेहमान नवाजी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे। मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से करियर में सफलता आपको मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का लेकिन आपको आज ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, व्यापार में भी लाभ आपको होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको आपके कैरियर में प्राप्त हो सकता है। आज बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। सफलता की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता आज मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन अगर बादाम अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग। बात करेंगे धनुराशि की, धनुराशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप धनुराशि वालों को आज संतान की तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें। आपके अधीनस्थ कर्मचारी और नौकरों का सहयोग आज आपको भरपूर मिलने वाला है। हिम्मत और पराक्रम आपका बना हुआ रहेगा। बात करेंगे धनुराशि के व्यापार और धन की, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक रहने वाला है। आपकी उन्नति भी हो सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, साथ ही व्यापार में भी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको आज मिल सकता है। डूबा हुआ फंसा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों से सहयोग तथा लाभ आपको मिलेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों की एकाग्रता में आज कमी आ सकती है। अपने एकाग्रता पर ध्यान दें, मन लगाकर पढ़ाई पर करें। करियर में आपके संघर्ष के योग बन रहे हैं, लेकिन संघर्ष करेंगे तो सफलता की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज के दिन अगर चुकंदर अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग बैंगनी रंग। बात करेंगे मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा हुआ रहने वाला है। पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। अच्छे समाचार की प्राप्ति भी संभव है। परिवारजनों और सगे संबंधियों में आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। ऑफिस में भी जो आपके साथ में काम करते हैं ऐसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही आपके किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात आज हो सकती है। बात करेंगे मकर राशि के व्यापार और धन की, तो आज पार्टनरशिप के माध्यम से आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। ससुराल के पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति संभव है। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान के सुख में भी वृद्धि हो सकती है। आपके व्यक्तिगत सुख में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। बचत भी आपकी बढ़ती भी नजर आ रही है।
बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। मेहनत करें, उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ बढ़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर जौ या फिर जौ से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग काला रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के दिन अपने व्यक्तित्व पर विशेष तौर पर ध्यान दें। आज के दिन अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखें। किसी से वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। पड़ोसियों तथा छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाहन को नियंत्रण में चलाएं, धीरे चलाएं। आज लड़ाई झगड़े के साथ साथ दुर्घटना के ये बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। आज के दिन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताए गए शुभ खाद्य को खाकर ही निकलें, ताकि घर से बाहर आपको किसी प्रकार के दुर्घटना या लड़ाई झगड़े का सामना ना करना पड़े। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आय की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहने वाला है। विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं। आज आपका मन अपेक्षाकृत ज़्यादा चंचल रह सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है। मानसिक तनाव भी रह सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से सामंजस्य बनाए रखें। आज जीवन साथी से आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग बैंगनी रंग। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज विराजित है नौवें स्थान में, जिसके फलस्वरूप मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपका मन आज लगा रहेगा। भगवान की कृपा भी आप पर बनेगी। सरकारी ऑफिस से संबंधित कार्य आपके यहाँ सफल रहने वाले हैं। बात करें मीन राशि के व्यापार और धन की। तो धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। बात करें मीन राशि के विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गैस संबंधित कुछ समस्या आपको रह सकती है। तो बाहर के खाने और मसालेदार खाने से आज बिल्कुल बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर सेब अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाइट येलो कलर। तो मित्रों ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिका रहने वाला है सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:33 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहुकाल रहने वाला है सुबह के 9:52 से लेकर सुबह के 11:10 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य करने से बचें, असफलता हाथ आपको लग सकती है। दिशासुर रहने वाला है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज बिल्कुल ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला अदरक। अदरक का छोटा टुकड़ा भी खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों आज दिन है शनिवार का, और शनिवार का दिन होता है शनिदेव का दिन। शनिदेव न्यायाधीश हैं। किन्हीं पे अगर शनि की दृष्टि होती है या दृष्टि नहीं भी होती है तो भी अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो जो उसको फल मिलता है वो शनिदेव के कारण ही मिलता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन या हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, किसी को भी ठगने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से धन कमाने से हमेशा बचना चाहिए। आप गलत तरीके से धन कमाएंगे आपके वो धन निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से, बीमारी में निकल जाएं किसी के, या किसी और से केस मुकदमा हो जाए उसमें पैसे बर्बाद हो जाएं, वो पैसे बर्बाद होंगे ही होंगे। या आपने कमा भी लिए तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, कोई और उसका भोग करेंगे, आप उस भोग से वंचित रह पाएंगे। तो इसी वजह से ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। शनिदेव की कृपा इससे कभी नहीं बनती है। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े हैं धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।